पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज से हर साल तकरीबन 5 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं और इंडिया में हर साल तकरीबन 5 मिलियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% है, जिसके मुताबिक हर साल 1,25,000 ग्रेजुएट्स बेरोजगार ही रह जाते हैं, जबकि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% है, यानी कि हर साल इंडिया में 2.1 मिलियन ग्रेजुएट्स मुकम्मल तौर पर जाया हो जाते हैं। इस सब की वजह क्या है? एजुकेशन सिस्टम या फिर होल सिस्टम? बेरोजगारी। Unemployment is being seen as one of the major issues at the moment. रोजगार और बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। सारी दुनिया में, खास तौर पर हमारी एशियन कंट्रीज में, बच्चा पैदा होते ही सोच लिया जाता है कि ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी, बीटेक इंजीनियर। लेकिन उस बेचारे से कोई नहीं पूछता कि वो क्या चाहता है। 3 से 4 साल का बच्चा स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है और वक्त के साथ साथ वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करता रहता है और मुसलसल दिन रात एक करने के बाद एक दिन वो डॉक्टर या इंजीनियर बन ही जाता है। तब तक उसकी उम्र 25 से 30 साल हो चुकी होती है और इस दौरान उस पर मिलियंस लग चुके होते हैं, जो कि उसके हॉस्टल, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बुक्स, यूनिफॉर्म और बाकी जरूरी चीजों पर खर्च होते हैं। और इस 20 से 25 साल की ड्यूरेशन के दौरान पैसे खर्चे के साथ साथ पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ऊपर जा चुकी होती हैं। बच्चे पर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है। अब जब उसकी ग्रेजुएशन के बाद रिटर्न का वक्त आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट का मुंह देखना पड़ता है। बच्चा जॉब के लिए धक्के खाता है, वालिदैन अलग परेशान होते हैं और इस वजह से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। लोग हिम्मत हार कर सुइसाइड की तरफ जाते हैं। क्या फायदा ऐसी डिग्रीज का, ऐसी तालीम का, जो लाखों करोड़ों के एक्सपेंस के बाद भी 2 वक्त की रोटी ना दे सके, उल्टा मिडिल क्लास बंदे की जान ही ले लें। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया का लिटरेसी रेट भी काफी बेहतर है, लेकिन फिर भी डिग्री होल्डर्स अपने हाथ में पीस ऑफ पेपर लिए 2-2, 4-4 साल नौकरी की तलाश करते रहते हैं। हकीकत ये है कि गलती स्टूडेंट्स की नहीं, बल्कि एजुकेशन सिस्टम और गवर्नमेंट की है। अब अगर वैल्यू ऑफ डिग्री की बात करें तो हम शुरू से बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि इन दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान और इंडिया में, थियोरेटिकल नॉलेज पर ही फोकस किया जाता है। बस ए ग्रेड्स लाओगे तो ही तुम कामयाब हो, वरना तुम एक फेलियर हो। कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज पर काम नहीं करता और ग्रेजुएट होते ही ये सब स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। इन स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल न होने की वजह से उन्हें कोई भी कंपनी हायर नहीं करती और इस तरह उनकी डिग्री, तमाम एजुकेशन और पैसा वेस्ट हो जाता है। जहां दुनिया में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को पढ़ाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान और इंडिया में टेबल ऑफ टू, मिस्टर चिप्स और 50 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। मास्टर्स की डिग्रीज लेने के बाद भी CSS एग्जाम की पासिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ 2% है और हर साल इंडिया में 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स UPSC एग्जाम में अपीयर होते हैं, जबकि उनकी पासिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ 0.2% है, क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ क्रैम करवाया जाता है। अच्छे मार्क्स और A+ ग्रेड लाने का प्रेशर होता है उन पर, जिसकी वजह से कोई भी समझ कर नहीं पढ़ता, किसी के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। हमारे एजुकेशन सिस्टम की बेस ही कमजोर है, इसलिए 20 साल की मेहनत, पैसे और पढ़ाई के बाद हर किस्म की डिग्री जाया हो जाती है। कोई भी वैल्यू नहीं देता डिग्री को। अब इंडिया हर साल इंग्लैंड से 100 गुना ज्यादा इंजीनियर्स बनाता है, लेकिन इंडियन कंपनीज सिर्फ और सिर्फ 8% इंजीनियर्स को ही हायर करती हैं। पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट्स में हर 40 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर है और इंडिया में हर 30 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक टीचर है। अब यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर किस कदर फोकस किया जा रहा है। और अगर 30-40 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर की भी बात करें तो वो भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी या हाईली क्वालिफाइड टीचर ना ही होता। वो खुद 30 से 50 हजार की नौकरी के लिए वही 100 साल पुराना पढ़ा हुआ सिलेबस पढ़ाता है स्टूडेंट्स को। ना तो उसे मॉडर्न इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी का पता होता है और ना ही वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स डिलीवर कर पाता है। अब इन कंट्रीज में टॉप ग्रेड्स के साथ होने वाले ग्रेजुएट्स को तो फिर भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाती है, मगर एवरेज स्टूडेंट्स सारी जिंदगी के लिए डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारी कंट्रीज में डिग्रीज की वैल्यू ना होने की बड़ी वजहों में लैक ऑफ डेवलपमेंट और लैक ऑफ टैलेंटेड टीचर्स भी हैं। यूरोप में आज बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर हजारों बच्चों को लेक्चर्स दिए जाते हैं। उन्हें तो मैनेजिंग और इतनी तादाद से कोई मुसीबत नहीं आती और साथ साथ प्रैक्टिकल और लाइव एग्जांपल्स भी दी जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उन्हें ग्रुप्स की शक्ल में स्टडी और डिस्कशंस और डिबेट्स में इन्वॉल्व करवाया जाता है, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और मेंटेलिटी को शार्पनेस मिलती है।
इस सब की मिसाल हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की शक्ल में आपके सामने है। वहाँ हाईली एजुकेटेड और एक्सपीरियंस स्टाफ होता है जो स्टूडेंट्स को 100 साल आगे फ्यूचर का विजन देकर पढ़ाते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया भी आपके सामने है, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में कोई दीवार गिरी पड़ी है तो कहीं क्लास का छत नहीं है। अगर बिल्डिंग अच्छी है तो लाइट और बाकी फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और सब कुछ मौजूद हो तो स्टाफ सीरियस नहीं होता। वो टीचर्स बच्चों पर फोकस नहीं करते, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सब क्रैमिंग और ए प्लस ग्रेड्स की रेस में दौड़ रहे हैं। एक और बड़ी वजह ये कि इन कंट्रीज में जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। कुछ ग्रेजुएट्स हकीकत में टैलेंटेड होते हैं, उनके पास स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होता है, मगर वो जॉब अपॉर्चुनिटी न होने की वजह से मायूस हो जाते हैं और अपनी डिग्री की वैल्यू को बिल्कुल जीरो समझते हैं। ऐसा ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मेडिकल स्टूडेंट के साथ हो रहा है। कोई अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट पास करके भी इंटर्नशिप हासिल नहीं कर पाता और बाहर किसी और मुल्क निकलने का सोचता है, तो कोई मेडिकल स्टूडेंट मुकम्मल सर्टिफिकेशन और लाइसेंस न मिलने की वजह से जॉब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे अपने प्राइवेट क्लिनिक में बैठना पड़ता है। अब ये दो डिग्रीज कितनी वर्थफुल हैं आप सबको मालूम है, मगर पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज में इन डिग्रीज के ग्रेजुएट भी धक्के खा रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर काम करे ताकि इन ग्रेजुएट्स की डिग्रीज जाया न हो। इन ग्रेजुएट्स के लिए रिसोर्सेज पैदा किए जाएं ताकि वो अब्रॉड जाने के बजाय अपनी कंट्रीज के लिए सर्व करें। पाकिस्तान और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट इन तालीमी इदारों पर तवज्जो दे तो इन कंट्रीज में तरक्की हो सकती है। दोनों मुल्क आपसी जंग की वजह से सारा बजट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा देते हैं, जिसकी वजह से कंट्रीज में पैसा न होने की वजह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं बन पाते, और कम इदारे होने की वजह से मेरिट्स बहुत हाई हो जाते हैं, और इस वजह से एक मेजॉरिटी नहीं पढ़ पाती, और जो पढ़कर ग्रेजुएट हो जाते हैं वो सालों जॉब की तलाश करते रहते हैं। अब अगर वैल्यू ऑफ डिग्री की बात करें तो अंदाजा हो ही चुका होगा कि ऐसी डिग्रीज की क्या वर्थ होगी जहां मिलियंस की तादाद में ग्रेजुएट्स बेरोजगार फिर रहे हों, जिसकी वजह से लाखों बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते, और जिनको एडमिशन मिलता है उनको मिलियंस में फीस देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर लम्स, UMT, नस्ट, फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी और आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे आपके सामने हैं। लेकिन असल मुसीबत ये है कि इन तालीमी इदारों से ग्रेजुएट होने के बाद भी 80% ग्रेजुएट्स बेरोजगार रह जाते हैं। फिर ये ग्रेजुएटेड या तो स्टूडेंट वीजा पर अब्रॉड जाकर दोबारा एनरोलमेंट करवाते हैं किसी और डिग्री में और पार्ट टाइम जॉब करते हैं, या फिर ये बच्चे अपनी ही कंट्रीज में रहकर कोई छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। उम्मीद है आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में वैल्यू ऑफ डिग्री क्या है और एक मिडिल क्लास को कैसे कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी एजुकेशन और जॉब के लिए। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी डिग्रीज के अलावा एक दो स्किल्स पर भी काम करें ताकि फ्यूचर में आसानी से काम मिल जाए और इंसान सुसाइड से बच सके। इस पाकिस्तानी और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। खासतौर स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें।